विधानसभा चुनाव में शानदार सफलता हासिल करने के बाद भाजपा में मुख्यमंत्री पद की दौड़ शुरू हो गई। अलग अलग नेता अपने अपने तरीके से मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा की ओर से दो बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे ने आज अपने जयप्रकाश स्थित आवास पर भाजपा विधायकों को लंच और डिनर कराकर ये दिखाने की कोशिश की कि उनके पास कई विधायकों का समर्थन है। इस तरीके से पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर उन्हें मुख्यमंत्री घोषित करने के लिए दबाव बनाना चाहती हैं। हालांकि भाजपा के सूत्र बता रहे हैं कि उनकी यह रणनीति फिलहाल काम करने वाली नहीं है। पार्टी नेतृत्व पर्याप्त समय लेकर निर्वाचित प्रतिनिधियों से बात करके ही कोई निर्णय लेगा। वसुंधरा राजे के आवास पर भोजन करने के लिए आज लगभग 20 विधायक पहुंचे। कई विधायकों ने कहा कि वसुंधरा राजे सिंधिया पार्टी की बड़ी नेता हैं, राजस्थान में बहुत लोकप्रिय हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। साथ ही विधायकों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो भी पार्टी फैसला करेगी वे उसके साथ हैं। विधायकों के इस खुले स्वीकार से यह भी साफ हो गया है कि पार्टी में कोई अलग गुट बनने की कोई संभावना नहीं है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जिसे भी अवसर देगा पार्टी पूरी तरह से उसी के साथ एकजुट हो जाएगी। भाजपा नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि 6 महीने के अंदर ही उसे लोकसभा चुनाव के लिए जाना है। ऐसे में किसी ऐसे चेहरे पर दांव खेलना चाहेगी जो उसे आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दिला सके, इसलिए सामाजिक समीकरणों को भी साधा जाएगा। भाजपा नेतृत्व ऐसे किसी नेता को नाराज नहीं करना चाहेगा जो भी लोकसभा चुनाव में उसके लिए मुसीबत बनेगी। यही कारण कि भाजपा नेतृत्व सभी दावेदारों से बातचीत करके कोई निर्णय लेना चाहता है। माना यह भी जा रहा है कि भाजपा वसुंधरा राजे सिंधिया को भी नाराज नहीं करना चाहेगी, क्योंकि वसुंधरा राजे राजस्थान में बहुत लोकप्रिय हैं और आज भी मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग उनके साथ जुड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा इस वर्ग को भी नाराज नहीं करना चाहेगी। दरअसल विधानसभा चुनाव घोषित होने के पहले से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच सब कुछ ठीक न होने की बात कही जा रही थी। एक रणनीति के तहत भाजपा ने राजस्थान सहित किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया था। इससे पुराने चेहरों के नाम होने पर होने वाली गुटबाजी को रोकने और उनके नाम पर मतदाताओं के बीच किसी नकारात्मक लहर को रोकने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा था। फिलहाल भाजपा की रणनीति सफल साबित हुई और उसने 3 बड़े राज्यों में बड़ी जीत हासिल की। गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही बाबा बालकनाथ को बीजेपी हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है, उसके बाद से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास पर हलचल शुरू हो गई। बता दें कि महंत बालकनाथ नाथ संप्रदाय के 8वें मुख्य महंत हैं और राजस्थान के अलवर सीट से लोकसभा के सांसद भी हैं, लेकिन भाजपा ने उन्हें जारा विधानसभा सीट से टिकट दिया था, जहां उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। सूत्रों की माने तो बाबा बालकनाथ राजस्थान के नए सीएम के तौर पर एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मिलने के लिए उनके आवास पर विधायक कालीचरण सराफ, बाबू सिंह राठौड़, प्रेमचंद बैरवा पहुंचे। इसके अलावा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने भी वसुंधरा राजे से मुलाकात की है। वहीं सांगानेर से विधायक भजन लाल शर्मा, शाहपुरा से विधायक लाला राम बैरवा भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं। साथ ही मनोहरपुर थाना विधायक गोविंद रानीपुरिया, किशनगंज विधायक ललित मीणा, अंता विधायक कमरलाल मीणा, बारह विधायक राधेश्याम बैरवा, डग से जीते कालूलाल मीणा भी सिविल लाइन पहुंचे हैं। इसके अलावा गोढ़ा मलानी विधायक के बिश्नोई, पुष्कर विधायक सुरेश रावत, बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा भी पहुंचे हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।